Assalamualaikum. dear students, this is the course of distributed database management system from virtual university of pakistan. at this moment, we are doing the topic of parallel databases in our course. in this topic, initially we studied different uh, basic terminologies and concepts of the parallel computing in general and then we moved towards the parallel databases because this topic is being covered in the distributed database management system course so obviously it is clear from this thing that the parallel databases they are a form of the distributed databases okay so in this particular topic initially we studied different architectures different architectures of the parallel computing that can possibly be used in the in the parallel database system. And uh, from the general architecture, we picked, we studied, we discussed different architectures with respect to the parallel databases in particular. And when we discussed different architectures, and we found out that the architecture that is most generally used in the context of parallel databases is the Shared nothing architecture, because we said, as I have uh, uh, told you that this is the architecture that is uh, uh, used in general for the parallel databases or uh, although there are some other popular architecture very popular architecture like uh, we discussed the new architecture different forms of new architecture, but the architecture that is in general used for the parallel databases is shared nothing architecture. Uske baad, हमने ये देखा था कि जब हमने एक आर्किटेक्चर फाइनलाइज कर लिया या उसको सेलेक्ट कर लिया अपनी इस एनवामेंट के लिए देन वी सेड दैट से डिफरेंट इश्यूज दैट वी नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग द पैरेलल डाटा बेसिस सो उनमें से जो पहला था वो था डाटा प्लेसमेंट यानी पैरेलल डाटा बेसिस के अंदर डाटा जो है वो किस तरह से डिफरेंट साइट्स uh, के ऊपर प्लेस किया जाना चाहिए और उसमें मैं देखा था कि ऑल दो दिस इशू

एक खास ऑर्डर में हम यानी उसके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं इसके अलावा वी डिस्कस थी हैश एलगोरिदम्स के हम हैशिंग के जरिए वी कैन डिसाइड के विच पर्टिकुलर टपल और द फ्रैगमेंट इट कैन बी प्लेस एट विच साइट सो द फर्स्ट टॉपिक वॉज द डाटा प्लेसमेंट उसके बाद ये था कि हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू परफॉर्म द दैरल क्यूरी प्रोसेसिंग उसमें था कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ uh, हैं जो हमारे पास uh, चीजें दैट वी शुड कंसिडर दे आर इंटर क्यूरी पैरालिज्म एंड इंट्रा क्यूरी पैरालिज्म इंटरक्यूरी पैरलिज्मे है कि डिफरेंट क्यूरीज जो कि यूजर्स इनिशिएट करते हैं उनको हम इन पैरल एक्जीक्यूट करें डिफरेंट साइट्स के ऊपर और इंट्रा क्यूरी पैरालिज्म से है कि हम एक ही क्यूरी को उसके डिफरेंट ऑपरेशन को या सेम ऑपरेशन को मल्टीपल साइट के ऊपर इन जनरल इन पैरल एक्जीक्यूट करें Although the issues of inter-query parallelism or intra-query parallelism, they are discussed in the context of the distributed databases in general as well. But you must uh, keep one thing in mind that in the distributed databases in general, our emphasis is to maximize the local processing. Why? Because uh, the users are in general.

जो हमारी क्यूरी एक्सीक्यूशन है वो मल्टीपल साइड है तमाम साइड्स के ऊपर होती है बट अगेन द पॉइंट इज दैट इन द कॉन्टेक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेसिस हमारा जो फोकस है वो ये है कि दी लोकल एक्सीक्यूशन शुड बी मैक्माइज्ड और रिमोट या ग्लोबल जो है वो अनलेस इट बिकम वेरी नेसेसरी हम उस वक्त करें लेकिन वेन वी आर डिस्कसिंग दैरल डाटा बेसिस उस केस में हमारा एम्फिस जो है दैट इज नॉट ऑन द लोकल एक्सीक्यूशन इसलिए कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि यूजर्स आर एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर साइट और विद रेफरेंस टू डिफरेंट साइट दैट कंटेन डाटा उनके रेफरेंस में वी से दैट दीज आर द लोकल यूजर्स और दीज आर द रिमोट यूजर्स और दीज आर द ग्लोबल यूजर्स तो वो जो डिस्टिंक्शन है वो यहाँ पे पैरल डाटा बेसिस केस में दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट वेरी क्लियर दिस इज नॉट देयर तो इस केस में जो हमारा फोकस है वो इसमें ये है कि ओवरऑल एफिशिएंसी के जो हमारी तो क्यूरी एक्सीक्यूट हो वो ज्यादा एफिशिएंटली हो ये हमारा फोकस है रादर देन फोकसिंग ऑन ऑन द द एफिशिएंसी लोकल साइट सो ये बैकग्राउंड हमारी डिस्कशन थी एक से रिवाइज किया है कि पैरल डाटा बेसिस को हमारे जो प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किए उनसे रिलेट करें और इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेसिस उसमें भी इसको देखें क्योंकि जैसे आपसे कहा है मैंने कि जो पैरल डाटा बेसिस है दे आर ए फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिस सिस्टम उसमें हो ये रहा कि द इश्यूज़ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डरबेज दे आर एप्लीकेबल इन दिस एनवायरनमेंट। लेकिन जाहिर है कि यह चूंकि एक स्पेशल एक और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है तो इसके इशूज जो है अपने भी हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेसिस के इशू है वो भी इस पे स्पेसिफिक फॉर्म में आके अप्लाई होते हैं दिस इज वट वी डिड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट इज वी डिस्कस द डाटा प्लेसमेंट और फिर उसके बाद थी पैरल क्यूरी प्रोसेसिंग के हाउ कैन वी एक्सप्लॉयड द इंटर क्यूरी एंड इंट्रा क्यूरी प्रोसेसिंग सो दैट वी कुड अचीव द ओवरऑल एफिशिएंसी इन द क्यूरी प्रोसेसिंग आज के लेक्चर में जो हमने दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं इसी सिलसिले में वो एक है पैरल डाटा प्रोसेसिंग और पैरल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन आइए हम पैरल डाटा प्रोसेसिंग को देखते हैं देखिये जाहिर है कि जो हमने ये तमाम एक सेटअप क्रिएट किया है वो ये है कि वी वॉन्ट टू परफॉर्म आवर क्यूरीज इन पैरल तो उसमें ऑल दीज आस्पेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग एवरी वन ऑफ देम ओवरऑल हमें जो है ना एक ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा एफिशेंट इन्वायरमेंट मिले जब हम ये बात करते हैं कि पैरल डाटा प्रोसेसिंग इससे मुराद क्या है इससे मुराद ये है कि टू राइट एलग्रिजम्स टू परफॉर्म रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेटर्स इन पैरल For partition data, any the parallel processing ki jo support hai, that we should also get from the implementation of the operations as well. This is not only that we have got uh, multiple machines who can perform, who can execute in parallel. Rather, the support on the basis of, yeah in the at the level of the implementation of operations should also be obtained. क्योंकि okay. जहरा कि जब हम बात करते हैं पैरल डाटा की तो उस केस में हमारे पास ऐसे सिस्टम भी होंगे जो कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो जहरा उस केस में क्या हो रहा है कि यानी हमारे पास एक ही सिस्टम जो है उसमें हमारा जो एक ऑपरेशन है दैट कैन बी एक्स्यूटेड दैट कैन बी परफॉर्म इन पैरल फिर अच्छे जो ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो ये देखता है कि किस तरीके से वी कैन परफॉर्म द रिलेशनल एल्ज ऑपरेशन इन पैरल

प्रडिकेट है वो प्रेडिकेट जो है उसको हम जिसके बेसिस पे हम के डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका आप उसको रिलेट करेंगे उस प्रेडिकेट से दैट हैज दैट इज द बेसिस फॉर द फ्रेगमेंटेशन तो उसके बेसिस पे आप उसको एफिशिएंटली यू परफॉर्म कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि बजाय इसके कि आप अपने जो प्रेडिकेट है उसको स्ट्रेट वे या ब्लाइंडली जो ट्रांसफर दैट प्रेडिकेट टू ऑल द साइट आप ये करेंगे आप ये देखेंगे कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसके बेसिस पे ये किस साइट के ऊपर इसकी पॉसिबिलिटी है टू फाइंड द डाटा और फिर उसी साइट के ऊपर आप इसको मूव करते हैं और वहां पर आप ये कर सकते हैं कि उसको बास केसेस में आप जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक सीरीज में यानी जो अपने ऑपरेशन उनको परफॉर्म कर सकते हैं पहले भी जब हम बात कर रहे थे क्यूरी प्रोसेसिंग की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने कहा था कि जो दो मेजर ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन हैं वो है सेलेक्ट और जॉइन क्योंकि बाकी जो ऑपरेशन हैं वो हम इनको इस्तेमाल करते हुए भी हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं तो इसीलिए हमारे पास जब वी आर डिस्कसिंग दी द पैरल प्रोसेसिंग ऑफ द ऑपरेशन तो उसमें भी हमने जैसे हमने कहा कि सेलेक्ट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पे जो दूसरा मेजर ऑपरेशन है दैट इज जॉइन So there are three algorithms, there are three possibilities using which we can perform the join in parallel or one is uh, the parallel nested loop or briefly PNL. Dusra have parallel associative join, just briefly P A J or Thisra have parallel hash join. While discussing these algorithms or uh, while uh, comparing them, there are certain assumptions that we are going to make and uh, the given environment is that we have got uh, two tables, their yeah, relations. One is R and other is S. And uh, R has been partitioned into m different uh, fragments, their yeah, partitions. And uh, S has been partitioned into n different partitions. These partitions, these fragments, they have been stored on different nodes. Obviously, the partitions or fragments of R they are stored on uh, m different uh, sites and uh, n fragments or uh, the partitions of S. दे आर स्टोर्ड ऑन एन डिफरेंट साइड्स और जाहिर है कि दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्राम दी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन के जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं वो डिस्टिंगट हैं और इसी तरीके से एम और एन नोड जो है यानी जिन पर के इसके दोनों फ्रेगमेंट स्टोर्ड है वो भी डिफरेंट हैं ऐसा नहीं है कि एक नोट ऐसा हो कि जिसके पास आर का भी एक फ्रेगमेंट है और एस का भी एक फ्रेगमेंट है ऐसा नहीं है और जिन नोट्स के ऊपर आर के फ्रेगमेंट्स या आउट के पार्टीशन स्टोर्ड है उसको हम इन जनरल कहेंगे आर नोड्स और एक पर्टिकुलर नोड को हम कहेंगे दिस इज एन आर नोड, क्योंकि उसमें आर का एक फ्रेगमेंट स्टोर्ड है और इसी तरीके से वो नोड्स जिनके ऊपर के S के एस स्टोर्ड हैं, तो उनको इन जनरल हम कलेक्टिवली कहेंगे दे आर एस नोट या एक पर्टिकुलर नोड को यू कैन कॉल दी एस नोड सो वट इज इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एलिदम ईच फ्रेगमेंट ऑफ आर इज रेपीकेटेड एट ईच एस नोड यानी हमारे पास एस के जितने भी नोड्स हैं यानी एस जो हमारा रिलेशन है वो जितने भी नोड्स के ऊपर फ्रेगमेंटेड है उनमें से हर एक के ऊपर आर का हर नोड जो रेपीकेट होगा इसका मतलब ये होगा इसको आप इनडायरेक्टली यू कह सकते हैं कि एस के जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनके साथ आर जो है वो पूरा का पूरा वहां पर कॉपी हो जाएगा या रेप्लिकेट हो जाएगा विद ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटी इट मे टेक m मैसेजेस टाइम एंड विदाउट द ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटी इट वुड टेक m n मैसेजेस यानी ब्रॉडकास्ट से मतलब यह है कि एक साइट जैसे हम कहते हैं कि एक साइट वन है जिस पर के r r जो है पार्टीशन है r की वहां पर पार्टीशन मौजूद है अब इस एक फ्रेगमेंट ने या पार्टीशन ने इट हैज टू बी रेप्लीकेटेड ऑन ऑल द एस नोट जैसे एस के फाइव नोड हैं तो अब अगर ब्रॉडकास्टेबिलिटी है हमारे पास तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से जब वो एक दफा मैसेज भेजेगा तो एक मैसेज ऑटोमेटिकली इन तमाम पांच साइट्स के ऊपर आ जाएगा दिस शुड बी इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटी या उस ऑप्शन के साथ लेकिन अगर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है उसके इसमें क्या होगा कि फॉर एवरी एस नोड द Each fragment of the R will have to be sent। ई आर विल है एक साइट के लिए आपको एक मैसेज भेजना पड़ेगा इसका मतलब ये होगा कि यानी जो R की हर साइट है एवरी आर नोड विल बी सेंडिंग एन मैसेजेज पांच मैसेज को भेजने पड़ेंगे तो जाहिर है कि चूंकि हर साइट जो है वो फिर उसको इतने मैसेज भेजने पड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जो इसमें इस्तेमाल होंगे दैट वुड बी एम इन जैसे कि यहां पर हमने लिखा हुआ है सेकेंड फेज में यह है कि ईच एस नोड लोकली आर विद द फ्रेगमेंट एस जे एंड ऑल डन इन पैरल मे बी डन एज इट अराइव और आफ्टर ऑल अराइव यानी ये हमने पहले देखा था कि अगर तो हमारा जो डाटा अराइव कर रहा है इंडिविजुअल एस नोड्स के ऊपर एस साइट्स के ऊपर अगर वो एक ऑर्डर में है तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे आपके आर नोड जो है वो अराइव कर रहे हैं तो साथ साथ ही उनको आप ज्वाइन में भी यानी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं यानी अगर आपके अलर्ट से आपके अगर फर्ज करें आपका आर जो है वो रेप्लिकेटेड है एक खास ऑर्डर में और उसी ऑर्डर की बेसिस पे यू आर परफॉर्मिंग द ज्वाइन अबलट से अगर साइट वन से पहले कुछ आपके पास कुछ टपल्स या एक फ्रेगमेंट आ रहा है तो जैसे ही वो पहुंचना शुरू करे तो साथ ही आप उसको जॉइन में इन्वॉल्व कर सकते हैं बट आपको ये बात याद रखनी चाहिए दिस इज पॉसिबल ओनली इन द सिचुएशन व्हेन द रिकॉर्ड दैट वी आर रिसीविंग ऑन ईच एस जे साइट द रिसीव रिकॉर्ड ऑफ आर आर इन ए इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और जिस ऑर्डर में वो हैं उसी एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेस पे आप लोग को ज्वाइन करना है अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप तमाम को रिसीव करें यानी तमाम जो आपकी आर साइट्स हैं वहां से आप तमाम फ्रेगमेंट्स को रिसीव करें एंड देन यू फॉर्म द ओरिजिनल आर टेबल ऑन ईच साइट और जब वो मुकम्मल हो जाएगा हर साइट के ऊपर उसके बाद देन यू कैन इन्वॉल्व यू कैन इन्वॉल्व दिस रिलेशन इन टू

तो आप ये देखिए कि जो इसमें स्केयर दिखाए गए हैं नोड वन और नोड टू के ऊपर दीज आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ आर तो जो हमारे पास नोड थ्री या साइड थ्री या साइड फोर है वहां पे जो एस के फ्रेगमेंट्स हैं उनको बॉक्सेस की शक्ल में नहीं दिखाया गया यानी एक जो फील्ड बॉक्स है जिसमें जिसमे ग्रे कलर है और एक जो ब्लैक बॉक्स है बोथ ऑफ देम दीज बॉक्स आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ आर रेप्रेसेंट्स अब जैसे आपको डायग्राम से नजर आ रहा है कि जो आर वन है दैट इज ऑन साइट वन या नोट वन दैट इज बींग ट्रांसफर टू बोथ नोट थ्री और इसी तरीके से द्रैगमेंट और द पार्टीशन आर टू दैट इज ऑन द साइट टू दैट इज ऑल्सो बींग मतलब यह हुआ एक दोट थ्री एंड नोट फोर तो वहां पर वी हैव गॉट द कंप्लीट आर सिमिलरलीफ यू सी नोट फोर वहां पर भी हमारे पास कंप्लीट आर आ चुका हुआ है और फिर जो ये कंप्लीट आर हो चुका हुआ है नोट थ्री और नोट फोर के ऊपर इन जनरल ऑपरेशन विद एस वन एंड एस टू इसका मतलब यह हुआ दैरल नेशनल लूप एलगोदम प्लेस आर ज्वाइन एस विद यूनियन आर जॉइन एस आई वेर आई गोज फ्रॉम वन टू

जो हमारे यानी जब हम इक्ट जन फॉर्म करना है तो जिन दो टेबल्स को हमने ज्वाइन करना है वो उनमें से एक जो है वो पार्टीशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज इन्वॉल्व इन ज्वाइन इफ सपोज आर डॉट ए एंड एस डॉट बी आर ज्वाइन एट्रीब्यूट तो लेट्स से जो हमारा एस रिलेशन है एस टेबल है वो जो पार्टीशन है या फ्रेगमेंटेड है

उसमें कोई खास उसकी रिक्वायरमेंट या उस उसमें कोई खास हमारी एजंक्शन नहीं है लेकिन जैसे आपसे कहा गया कि जो बी एट्रीब्यूट है एस का इस पर दो कंडीशन है एक कंडीशन तो यह है कि दिस इज इन्वॉल्व इन द द्वार ऑपरेशन एक और इनिशली उसमें बात यह है कि इट हैज हैजिन पार्टीशन या इट इज द बेसिस ऑफ द पार्टीशन और जैसे यहां पर कहा गया है कि हैश फंक्शन के जरिए एस को पार्टीशन किया गया है बी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट फेज द रिलेशन आर इज सेंट

सेम हैश फंक्शन दैट हैज बिन अप्लाइड ऑन दॉट बी वी अप्लाई द सेम हैश फंक्शन ऑन आर डॉट ए और जाहिर है कि वो जो ये हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे आर की हर पार्टीशन के ऊपर जहरा पार्टीशन हुआ हुआ है तो जहरा कि वो जो एट्रीब्यूट है वो जो जो कि एक ही जॉय में इन्वॉल्व है वो तमाम पार्टीशन में होगा तो वी अप्लाई दिस है सेश फंक्शन

उनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट जो है तय हुई जो एस नोट थे उनमें से अब जाहिर है कि जब हम वही हैश फंक्शन वेन वी विल अप्लाई ऑन द फ्रेगमेंट्स ऑफ आर एंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एटीब्यूट ऑफ ए तो जो लोकेशन बनेगी ऑफ द टपल ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ आर वो वही होगी जो कि एस एस के टपल्स की बनी थी इसका मतलब है कि जिस रेंज के जिस रेंज के जिस रेंज के टपल्स एस में एस की डिफरेंट साइड से मौजूद थे तो आर के जो टपल्स होंगे वो भी उसी रेंज के मुताबिक इन डिफरेंट नोड्स के ऊपर आएंगे इसका मतलब यह है कि जब एक साइट के ऊपर एस के नोड्स की जो वैल्यू का रेंज है उसी रेंज के जो टपल्स हैं वो आर की तरफ से भी या आर की डिफरेंट पार्टीशंस से उनकी तरफ से भी आएंगे आपको ये जो तमाम चीज है ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा लोकल जॉइंट प्रोसेसिंग डन इन पैरेलल सो आर इक्वि जॉइन एस इज ट्रांसफॉर्मड इनटू आर आई इक्वि जॉइन एस आई एंड यू मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्मड इन पैरेलल ऑन ऑल द एस साइट्स बिकॉज़ We have copied, we have replicated all uh, fragments of uh, R onto sides of S. So this activity is performed into the equi -join among different fragments. And uh, this uh, algorithm has been explained uh, in the form of a diagram as you can see on your screen. Here R1 and R2 that have been uh, replicated, that are uh, basically placed at node 1 and node 2.

उनके ऊपर जब हमने वो हैश फंक्शन अप्लाई किया है तो नोड थ्री के ऊपर यू कैन सी दैट द सेम सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्स मीन वन टाइप ऑफ ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग वन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आउट ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ आर आर वन और आर टू आप देख रहे हैं कि जो आर वन और आर टू से फिल्ड ब्लॉक्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह के रिकॉर्ड्स को एक तरह से क्या मुराद है कि वो रिकॉर्ड के जिनके ऊपर अगर हम ये हैश फंक्शन अप्लाई करें तो उनके लिए नोड थ्री की लोकेशन जो है वो डिसाइड होती है हैश फंक्शन के जरिए और अगर हम आर वन और आर टू के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर अगर वही हैश फंक्शन अप्लाई करें तो कुछ रिकॉर्ड्स के लिए नोड फोर जो है वो डिसाइड होता है चुनाचे वेन यू सी एट द साइड थ्री एंड साइड फोर यू कैन सी हियर दैट एट साइड थ्री एंड साइड फोर वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स ब्लॉक्स के दे हैव कम फ्राम डिफरेंट आर साइट्स बट दे आर ऑफ सेम टाइप दैट इज वाई एट साइट थ्री वी हैव गॉट फील्ड स्केयर क्योंकि वो एक तरह के रिकॉर्ड हैं आर के ऑल दो डिफरेंट साइट्स से हैं आर की और इसी तरीके से जो हमारे पास साइट फोर है उस पर हमारे पास ब्लैंक ब्लॉक्स है जो ये शो कर रहे हैं कि ऑल दो दीज रिकॉर्ड दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट आर साइट्स बट दे आर ऑफ द सेम टाइप और दोबारा देखिए कि सेम टाइप के किस लिहाज से है। सेम टाइप के इस लिहाज से है कि वेन वी अप्लाइड द हैश फंक्शन ऑन द टपल्स ऑफ साइट एस वन एंड साइट टू तो उन टपल्स के लिए जो लोकेशन डिसाइड हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ द हैश फंक्शन वो साइट फोर थी इसलिए आप देख रहे हैं कि देर आर मल्टीपल ब्लॉक्स जो ये शो कर रहा है कि दीज रिकॉर्ड्स हैव बीन मूव्ड फ्रॉम डिफरेंट आर साइट्स लेकिन वो सेम साइट पे आया है जो कि R4 है अब इस एल्गम को आई एक्सप्लेन टू यू एन एग्जाम्पल के वी बुक टेबल एंड ए स्टूडेंट टेबल बुक टेबल लेट्स से हंड्रेड थाउजेंड रिकॉर्ड यानी एक लाख उसमें रिकॉर्ड है और जो हमने पार्टीशन करने हैं पांच साइट्स के ऊपर जो प्राइमरी की है बुक टेबल की वो है बुक आईडी डी स्टूडेंट टेबल इट कंटेन्स बुक आई डी एज फॉरन की जाहरा कि ये दोनों को आपस में लिंक करते हैं और इसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे वी वॉन्ट टू परफॉर्म द दू जॉइन ले के हैश फंक्शन दैट वी अप्लाइड ऑन द बुक टेबल और जो उसका जाहिर है रिक्वायरमेंट थी ना कि जो हमारे पास दो टेबल्स हैं उनमें से एक जॉइन का एक एट्रीब्यूट है वो हैश फंक्शन में इन्वॉल्व हो जहां हम क्या करते हैं कि बुक आई डी वो एट्रीब्यूट है बुक की साइड से कि जो एक तरफ तो इक्कीस ज्वाइन में इन्वॉल्व है और दूसरी तरफ वी आर यूजिंग द सेम एट्रीब्यूट टू परफॉर्म द हैश फंक्शन लेट्स से कि जो हैश फंक्शन हमने अप्लाई किया है वो ये है कि बुक आई डी डिवाइडेड बाई फाइव और इसका रिमाइंडर और उसमें हम एक ऐड कर लेते हैं तो इससे जो नंबर बनेगा दैट विल डिटर्मिन द साइट फॉर ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड ठीक ना इफ यू गॉट दुक इन सीरीज फ्रॉम टू थ्री फोर हमने कहा हमारे पास एक लाख किताबें हैं।, हैं और इसके लिए अभी तक हमारी लाइब्रेरी में एक किताबें हैं और जहरा कि फ्यूचर में दे में इंक्रीज एज वेल well. तो अच्छे एक लाख किताबों अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि वेन यू डिवाइड द बुक आई डी विद एंड द रिमाइंडर जो रिमाइंडर इसका वो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा या 4 होगा है कि इन पांच में से कोई एक वैल्यू होगी एंड इफ वी एड वन इन द रिमाइंडर तो वेन द रिमाइंडर इज वी जीरोम्स वन इट बिकम्स इट मीन वी अप्लाई दिस फंक्शन फॉर एवरी बुक आई डी वी आर गोइंग टू हैव ए वैल्यू फ्रॉम वन टू फाइव तो हम इस वन टू फाइव की जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम ये समझ लें कि ये डिटर्मिन करता है दिस साइट फॉर ए पर्टिकुलर टपल तो इस तरीके से हम इस हैश फंक्शन के जरिए जो हमारे पास एक लाख रिकॉर्ड है वी कैन डिवाइड दैम वी कैन प्लेस दैम ऑन फाइव साइट्स और फिर ये होगा कि जाहिर है कि वो चूंकि एक तरतीब से रिकॉर्ड जा रहे हैं तो आपका जो पांचों साइट्स पर जो लोड होगा दैट बी द सेम और उसमें एक और चीज का भी ख्याल रखिएगा कि द इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड द हैश वैल्यू एंड अदर थिंग द एट्रीब्यूट वैल्यू There's a difference between them. Okay, for example, in this example attribute value that will be starting from 1, it goes continuously up to 100,000. And it may go up to many hundred thousand. It will keep on increasing. So this is the value of the attribute. But the second thing is.

वो फ्रेगमेंट होती रहेंगी डिस्ट्रीब्यूट होती होती रहेंगी और इसमें बैलेंस भी रहेगा इनकी तमाम जो साइड्स हैं उनके ऊपर जो लोड होगा रिकॉर्ड्स का वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट इज इनरेवेंट हियर है कि जो आपका स्टूडेंट है वो टेबल भी फ्रेगमेंट हुआ हुआ है लेकिन जैसे हमने इस एल्ब्रिदम की जो स्पेसिफिकेशन थी उनमें हमने पढ़ा था कि जो दूसरा टेबल है उसकी जो फ्रेगमेंटेशन का बेसिस है वो इस एल्ग्रदम के लिहाज से इरेलीवेंट है चुनाचे हो सकता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो दो साइड्स के ऊपर तीन साइड्स के ऊपर इवन पांच छह सात साइड्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और इट इज कि उसमें कितने कितने टोटल टोटल हैं यानी रिकॉर्ड है स्टूडेंट में और जो आपकी इंडिविजुअल साइट हैं उनमें से हर साइट के ऊपर कितना लोड आता है वो इस एलग्रदम के रेफरेंस से इेलिवेंट है आवर क्यूरी गेट द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स विद द डिटेल ऑफ द बुक्स दे हैव करेंटली बोर्ड अब एक बात तो यह है कि जो हमारी लाइब्रेरी इन्वायरमेंट है जिसके हम बात कर रहे हैं उसमें चूंकि वी हैव यूज द प्राइमरी की ऑफ द बुक दट इज द बुक आई डी एज द फॉरन की इन स्टूडेंट टेबल इसका मतलब एक चीज तो अब यह आपकी जाहिर हो गई है कि आपके पास जो एक स्टूडेंट है वो इस लाइब्रेरी इन्वायरमेंट में एक बुक इशू करवा सकता है ऑल दो ऐसा बैड लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बुक इशू करने को देती है लेकिन बहरहाल हमारे एग्जाम्पल में इसी तरीके से है तो अब जो डाटा अबाउट द बुक दिस इज इन द बुक टेबल एंड द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स इन इज इन द स्टूडेंट टेबल और जो हमारी क्यूरी की जो रिक्वायरमेंट है दैट रिक्वायर्स डाटा फ्रॉम बोथ टेबल्स इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेसिकली करना यह है कि हमने एक ही ज्वाइन अप्लाई करना है बुक के ऊपर और स्टूडेंट के ऊपर और उसमें यह है कि जिसमें वैल्यू की सेम होगी वहां से हम बुक का डाटा और जो स्टूडेंट का डाटा है वो पिक करेंगे तो वो बनेगा आउटपुट ऑफ़ आवर तो जो अभी तक जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी बुक का टेबल है दैट हैज बिन पार्टिशन दैट हैज बिन हैश पार्टिशन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक आई और जो स्टूडेंट का टेबल है वो जाहिर है कि

ऑन ए साइट है वैल्यू ऑफ दूट यानी जो भी बुक आई डी की वैल्यू है स्टूडेंट के अंदर जब एक स्टूडेंट एक बुक को बोरो करेगा तो उसके अंदर जो बुक आई डी फॉरन की है उसके अंदर उस बुक का आई डी आ जाएगा नो इनरेस्पेक्टिव ऑफ द बुक दैट ही उसी बुक का वहां पर आई डी आ जाएगा अप्लाई द सेम है बुक आई डी इन द स्टूडेंट टेबल तो क्या होगा चूंकि वही हैश फंक्शन है तो जो उसकी हैश वैल्यू निकलेगी वो जाहिर है कि वो निकलेगी वन टू फाइव के दरमियान इंक्लूसिव तो फिर ये होगा कि जो स्टूडेंट है वो उसी साइट पर जाएगा जिस साइट पर जो बुक के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उनकी वही हैश वैल्यू मिसाल के तौर तो पर देखें पर्स कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो एक बुक है जिसका आईडिया लट से ट थाउजेंड एंड थ्री टेन थाउजेंड थ्री जब उसका बुक आईडी डी एक बुक इशू करा करी था टेन थाउजेंड थ्री जब आप इस पे हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे आप इसको फाइव से डिवाइड करेंगे टेन थाउजेंड थ्री को द रिमाइंडर विल बी थ्री वैन यू एड वन इन दैट इट बिकम्स फोर इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट का टपल है ये अपनी जो स्टूडेंट का टेबल है उसकी फ्रेगमेंटेशन के लिहाज से किसी भी साइड के ऊपर हो लेकिन अब इस पैरल एसोसिएटिव ज्वाइन के अगेंस्ट जब हैश फंक्शन आपने अप्लाई किया तो ये अपनी जिस भी साइट पर होगा वहां से उठ के ये चला जाएगा साइट फोर के ऊपर अब जाहिर है कि जो बुक है जिस बुक का आईडी है टेन थाउजेंड एंड थ्री जाहिर है कि जब हमने उसको भी पार्टीशन किया था वी अप्लाइड द सेम हैश फंक्शन और इस हैश फंक्शन ने इस बुक के जो रिकॉर्ड है इस पर्टिकुलर टपल है इसके लिए जो साइट डिसाइड हुई थी बाय अप्लाइंग दिस हैश फंक्शन वो भी थी साइट फोर इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने भी बुक इश्यू करवाई हुई है जब उसके ऊपर आप हैश फंक्शन ये वाला अप्लाई करेंगे तो उसका टपल जो है वो अपने किसी भी फ्रेगमेंट में हो वहां से उठ के वो उसी साइट के ऊपर जाएगा जिस साइट के ऊपर उस बुक का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है के जो कि इसने इशू कराई हुई है इसका मतलब ये है लेट्स यू थ्री ऑफ द स्टूडेंट टेबल फ्रॉम ऑल दो ये जो है वो उसी साइड के ऊपर जाएंगे जिस साइड के ऊपर उस बुक का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो बुक के एक स्टूडेंट ने इशू कराई हुई है अफर्ट्स करें कि हमारे पास ऐसे के आ, पांच हजार स्टूडेंट हैं और किसी एक खास मौके के ऊपर किसी के पर्टिकुलर टाइम पे जो उनमें से के 2200 स्टूडेंट थे उन्होंने बुक्स इशू करवाई हुई थी अब ये जो हमारे 3000 हजार स्टूडेंट थे ये पार्टीशन अलग से तीन साइड्स के ऊपर अब ये जो 2200 स्टूडेंट्स जिन्होंने के बुक्स इशू करवाई हुई हैं अब जिस स्टूडेंट ने जो भी बुक इशू कराई हुई है उसका जो रिकॉर्ड है वो अपने पार्टीशन के साइड से उठेगा और उसी पर्टिकुलर साइट पे जाएगा जिस साइट के ऊपर उस बुक का रिकॉर्ड है जो कि इसने इशू कराई हुई है चुनाचे इस तरह से आपका जो जो स्टूडेंट टेबल है वो पार्टीशन हो जाएगा इस तरह से यानी उसकी रीपार्टिशनिंग होगी और वो मूव कर जाएगा और माइंड इट दिस पार्टीशनिंग इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन द ओरिजिनल पार्टीशन ऑफ द बुक ऑब्वियसली दिस इज नॉट बीइंग टस्ट लेकिन जहां पर जो ओरिजिनल पार्टीशनिंग थी स्टूडेंट की वो भी इसमें चेंज नहीं हो रही है डिस्टर्ब नहीं हो रही है दैट टू रिमेन द सेम This all processing is being performed just to execute the equi join operation. Okay, this way, movement is temporary, and the original the placement of the student is not being changed or disturbed. We apply equi -join on the value of book ID in parallel on all S sides. Obviously, tuples with the same book ID value will be joined. Yes, now, I you that the student has three thousand तीन में से 2200 ने बुक्स इश्यू कर बाईस स्टूडेंट के, के ये जो जो के इन पांच साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जाहिर है देखिए जो हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया था टोल्ड यू दैट गारंटीज के जो लोड जाएगा आपके पास इंडिविजुअल साइट्स के ऊपर बुक रिकॉर्ड्स का दैट शुल आपका एक सीक्वेंस में वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वो जनरेट कर रहे है। वो तो बैलेंस रहेगा लेकिन जो आप, आपके जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं इस पार्टीशन के नतीजे में दे आर नॉट नेसेसरली बैलेंस्ड क्योंकि हो सकता है दिस इज क्वाइट पॉसिबल के जस्ट बाई चांस जो बाईस सौ स्टूडेंट्स ने बुक्स इशू करवाई हैं वो इतफाक से इज ऑल्सो पॉसिबल ऑल दो मतलब इसके चांसिस कम है लेकिन पॉसिबल है कि वो सारी की सारी वो बुक्स थी जो कि एक साइड के ऊपर पड़ी हुई है इसका मतलब यह है दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि जो बाईस सौ के बाईस सौ रिकॉर्ड है all of, all of them, लेकिन जाहिर है कि इस पे फिलहाल कंट्रोल करना या कंट्रोल रखना इस पे ना हमारा यानी इस वक्त ऑब्जेक्टिव है और ना शायद ऐसा हो सकता है दे विल रिटर्न बैक जाहरा कि जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जहरा कि जिस जगह हमें उसका आउटपुट चाहिए जो हमने क्यू इनिशिएट की है तो जहाँ जहाँ से भी ज़ाहिर है कि वो उनका होगा जब आपके रिकॉर्ड मर्ज हो जाएंगे स्टूडेंट का और बुक का और जो उसका आउटपुट है वो वापस में मिल जाएगा जहां पर हमें वो चाहिए था तो दिस इज हाउ दैरल एसोसिएटिव ज्वाइन विल भी इम्प्लीमेंटेड नाउ दर्ड एल्गोद इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आइए देखिए पहले एल्गोरिथम क्या है दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द दी एल्सो अप्लाइज ओनली ऑन इक्वीज बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर पार्टिशनिंग देखो ना जो हमारा पी ए जे था उसमें क्या था दो कंडीशन थी इक्वीज होगा और दो टेबल में से एक जो है दैट शुड बी पार्टीशन ऑन द इक्ट एट्रीब्यूट और हमने कहा था कि हैश उस उसमें अप्लाई हुआ लेकिन यहां पे दो कंडीशन में से एक रह गई है वी से वी विल अपलाइड ऑनली फॉर दू ज्वाइन ये बात तो रहेगी लेकिन यह है कि वो जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी दैट इज नॉट देयर बेसिक आइडिया इज टू पार्टीशन आर एंड एस इन टू पी नंबर ऑफ मूचली एक्सक्लूसिव सेट्स यानी पहले केस में क्या हुआ था कि हमने एस को तो पहले से पार्टीशन किया हुआ था उस कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे लेकिन हमने फिर आर को पार्टीशन किया था टू परफॉर्म दी दू ज्वाइन इस केस में क्या है कि वो हमने ऑल दो आर को और एस को दोनों को पार्टीशन किया हुआ है बट देयर बेसिस एनी वन अब क्या है कि टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर इक्वीज हम उस एट्रीब्यूट के ऊपर जिसके बेसिस पे कि इनका इक्विजन परफॉर्म हो रहा है उस एट्रीब्यूट के ऊपर दोनों को आर को भी और एस को भी पार्टीशन कर देंगे इनटू टू मुचली एक्सक्लूसिव सेट और सेट से है यही है कि वो जो उनमें कॉमन को होने नहीं चाहिए और जाहिर है कि दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टीशनिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आर इक्यू जॉइन एस है दैट वुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू द इक्यू बिटवीन द पार्टीशन ऑफ आर एंड एस और दैट वुड बी परफॉर्म ऑन साइट वन टू पी पार्टीशनिंग ऑफ आर एंड एस कैन बी डन इन पैरेलल रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन पी नोड्स This diagram explains this algorithm, as you can see that uh, we have got uh, node one, node two, node three, node four, node one and two they contain the partitions of uh, R and uh, node three and node four they contain the partitions of uh, s so again, when you see the individual partitions, the partitions of uh, R that is R one and r two and the partitions of s, they both contain the filled blocks and the empty blocks well they are

हर जो हमारे पास नोड है उस पे हमें डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो नजर आ रहे हैं सो वेन वी अप्लाई दिस हैश फंक्शन ऑन दैगमेंट ऑफ आर एंड फ्रेगमेंट ऑफ एस तो दैट यू कैन सी कि जो आपका नोड वन है उसके ऊपर जो सेम हैश फंक्शन वाले टपल्स हैं आर वन से और आर टू से इसी तरीके से एस वन से और एस टू से वो इकट्ठे हो गए नोड वन के ऊपर और आप देखिये जब नोट वन की हम बात करते हैं जिनको पी नोट कहा था तो नोट वन के ऊपर तमाम जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो सेम टाइप के हैं इसका मतलब यही है क्योंकि जब हमने इस पे हैश फंक्शन अप्लाई किया तो ऑल ऑफ देम दे हैव गॉट द सेम हैश वैल्यू लाइकवाइज वेन वी सी नोट टू जिसपे के हमारा आउटपुट जा रहा है उस पर भी अगर आप देखें तो उस पर भी जो आपके पास टपल्स आर से आ रहे हैं और जो एस से आ रहे हैं उनकी जो मतलब फॉर्म है वो सेम है इसका मतलब ये हुआ ऑल दो दे बिलोंग टू आर एंड एस लेकिन वो जो उसकी हैश वैल्यू है देखिए मैं आपको दोबारा इस पे 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 कर रहा हूं कि जहां पे जो सेम वैल्यू की बात हो रही है दैट इज ऑफ ऑफ द द हैश वैल्यू नॉट एट्रीब्यूट वैल्यू उसमें जाहिर है कि इक्वी ज्वाइन में तो वो कपल्स इन्वॉल्व होंगे आर के और एस के जिनमें के एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है एट दिस मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम हैश वैल्यू चुनाचे इन दोनों साइड्स के ऊपर आर की जो पार्टीशन हैं और जो एस की पार्टीशन हैं वहां से वो टपल्स आ गए जिनकी सेम हैश वैल्यू है और फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इन दोनों नोट्स के ऊपर हम इन पैरल परफॉर्म करेंगे इक्वी जॉय तो जो हमारी पिछली एग्जाम्पल थी उसको अगर हम कंटिन्यू करें तो स्टिकिंग विद द प्रीवियस वन लेट्स से बुक एंड स्टूडेंट दे आर फ्रेगमेंटेड ऑन लेट्स से बुक हैज बिन फ्रेगमेंटेड ऑन द सब्जेक्ट जो कि बुक का एक एट्रीब्यूट था सब्जेक्ट हमने कहा कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक है वी प्लेस देम ऑन डिफरेंट साइट्स इसी तरीके से जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल था दैट वी आर पार्टीशेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में एंड लेट्स से अबाउट द सेम क्यूरी प्योरी वही है, है जिसने हमने कहा था कि हमें तमाम बुक्स तमाम स्टूडेंट और उनकी जो करंटली बॉर्ड बुक्स हैं उनको डाटा दे दीजिए तो क्या करेंगे वी अप्लाई द सेम हैश फंक्शन बट दिस टाइम नॉट ऑन ओनली स्टूडेंट But what we do, we apply the same hash function on book and student both and send the fragments with the same hash value on same sites. Once both have been transferred, we apply the join operation on the basis of the value of book ID. And this being done in parallel. So when we have that when an example of the पैरल एसोसिएटिव जॉइनिंग केस में तो उसमें कैसे ये चीज परफॉर्म हुई थी और जब हमने सो किया पैरल हैश जॉइनिंग केस में तो वहाँ पे ये काम कैसे हुआ वेरिएशन ऑफ दी एच जे फॉर मल्टी प्रोसेस सिस्टम हैो फेस बिल्ड एंड प्रोफेस से मराज ये है कि ये अभी तक मैंने बात की ना पी एच डे की या डिफरेंट एल्ब्रद बात की है तो यहाँ पे अभी हमने बात की है इन पैरल ये हम काम कर सके लेकिन इसमें जहरा कि जब हम पैरल डाटा बेसिस की बात करते हैं तो उसमें एक आर्किटेक्चर ये भी है कि सम ऑफ आवर सिस्टम दे हैव गॉट मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑन द सेम सिस्टम तो जहरा कि वो उस एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर भी द एक्सिकुशन कैन बी डन इन पैरल चुनाचे इसकी जो हमारा पी है पैरल हैश ज्वाइंट उसकी एक वेरिएशन जो है वो ऐसे सिस्टम्स के लिए ऐसी एनवायरनमेंट के लिए भी डिज़ाइन की गई है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और बिल्ड और प्रो फेज से मराद यह है कि जो आपका बिल्ड फेज है वो जब फ्रेगमेंट आपके पास रिसीव हो रहे हैं तो वो उनको इकट्ठा करके एक हैश टेबल क्रिएट करता है और जो प्रो फेज़ है वो ये करता है कि वो उसके ऊपर जो आपके पास एक का या जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है अब जब हम बात करते हैं यानी कि पी एच जे की वेरिएशन की तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि आप जो बिल्ड और प्रो फेजेज हैं उनको आप पाइपलाइन फैशन में परफॉर्म करें यानी आपके पास जब जैसे मैं आपसे कहा था कि जब आपके पास जो टपल्स हैं वो एक खास सीक्वेंस में रिसीव हो रहे हैं तो उस केस में मिसाल के तौर तो पे हम देखें कि जब हम यानी जब हमारे पास टपल्स एक जगह पे आ रहे हैं तो हम जैसे 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 हमारे पास ट्रपल रिसीव हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं तो एक प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होगा आपके पास रिसीविंग प्रोसेस में व्हेन द डेट इज बीइंग रिसीव्ड और दूसरा जो प्रोसेसर है वो उसके इन पैरल जो है वो उसको जॉइन ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर सकता है तो इस तरीके से यानी जो पैरलिज्म है वो दो लेवल पे हो जाएगी एक लेवल तो ये है कि तमाम जो आपके सिस्टम्स हैं वो इन पैरल परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक सिस्टम के ऊपर जो एक्टिविटी है दैट इज बीइंग परफॉर्म इन पैरल डियर स्टूडेंट्स जैसा कि दे आज की पे के लेक्चर में देखा कि वी हैव डिस्कस्ड थ्री डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन पैरल तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफिज़